गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी, अगेन वेलकम ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल ऑफ माई डियरेस्ट स्टूडेंट साइंस वाला SW। टूडे वी विल डिस्कस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4। पार्ट 9 बेटा हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक डिस्कस कर लिया था। अब आइए समझते क्या होता है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DDR। ओके बेटा, इसमें कंडीशन समझ लीजिए, जहां भी वर्ड आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, यहां बेटा हमेशा एक्वस सॉल्यूशन मस्ट होता है। मतलब कि विदाउट वाटर के प्रेजेंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होते, वो चाहे सिंगल रिएक्शन हो या डबल रिएक्शन हो। ओके तो कंडीशन क्या है, मस्ट बी एक्वस सॉल्यूशन। अब डिफिनेशन बच्चों क्या होगी, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स का बेटा मतलब हुआ रिएक्टेंट। इसका मीनिंग हुआ, टू कंपाउंड्स का मतलब हो गया बच्चों रिएक्टेंट, रिएक्ट टू ईच अदर एंड टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस का बेटा मतलब हुआ प्रोडक्ट, टू न्यू सब्सटेंस का मतलब हुआ प्रोडक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। देखिए सबसे जो मेन पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस मतलब दो रिएक्टेंट कंपाउंड हो, रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाए और आयंस का एक्सचेंज करके बनाए। इसमें क्या होता है ना कि दो बार डिस्प्लेसमेंट बेटा होता है, इसलिए इसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले जो पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस करता था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता था, इसलिए बोलते थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेम उसी तरह है, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट टू टाइम्स होता है। आइए कि बेटा थोड़ा समझते हैं किस तरह ये रिएक्शन बनाया जाता है। तो देखिए इसका बेटा जो फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कुछ इस तरीके से होता है। इसे मान लो ए बी प्लस सी डी है, क्या हो गया टू कंपाउंड्स मतलब रिएक्टेंट, कौन कौन से हैं ए बी एंड सी डी, किस फेज में होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, इसमें वाटर मिलाइए, एक्वस। अब देखो यहां प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाता है, ध्यान समझना बच्चों, इसका मैकेनिज्म समझिए आप, जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके रिएक्शन बेटा मैकेनिज्म का मतलब होता है व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक एंड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन को कैसे बनाया जाता है। दिख रहा है कि नहीं, देखिए मैंने सेट कर दिया। तो रिएक्शन मैकेनिज्म तक कैसे बनाया, उसका तरीका क्या है, तो ध्यान समझना बच्चों। देखिए सबसे पहले जो रिएक्टेंट है ना, इसे ब्रेक किया जाता है, इसको ब्रेक करिए तो क्या बन जाएगा ए बी, इसको ब्रेक करो बच्चों क्या बन जाएगा सी एंड डी। हमारी बात ध्यान समझना, जो भी फर्स्ट होगा जैसे ए, इसका पार्ट पहला कौन सा है ए और इसका पार्ट कौन सा है सी, ये हमेशा बच्चों पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। इस पे मान लेते हैं, मान लो कि प्लस वन चार्ज है, तो इस पे क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा बी पे, मतलब कितना होगा बच्चों माइनस वन। इस पे मान लेते हैं प्लस वन है, तो इस पे क्या होगा माइनस होगा। अभी हम लोग एज्यूम करके पढ़ रहे हैं, अभी रिएक्शन लिखेंगे ना तो एक्यूरेट चार्ज आपको समझ में आएगा। आप सुनिए क्या किया जाता है, इसका जो प्लस पार्ट है फर्स्ट कंपाउंड का ए वाला पार्ट, वो बेटा इसके डी से रिएक्शन करता है और इसका जो सी का पार्ट है वो बी से रिएक्शन करता है। रिएक्शन मतलब ऐड हो जाता है, जुड़ के कोई नया कंपाउंड बन जाता है। तो बताइए पहले इसको ऐड करिए, पास पास है ना, तो पहले सेंटर वाले को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा सी और बी, कैसे बनता है सी और बी। बेटा प्लस को हमेशा लेफ्ट साइड याद रखिएगा, प्लस पॉजिटिव को हमेशा किधर रखेंगे लेफ्ट साइड, और राइट साइड किसको लिखा जाएगा ऑलवेज निगेटिव को, तो सी किससे मिल रहा है बी से रिएक्शन कर रहा। अब बताइए दोनों के चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया,
क्या बन गया बच्चों, सी एंड बी। तो एक कंपाउंड बन गया सी बी। ओके, अब ऐड करेंगे ए को डी से। आई ए और एड लेफ्ट राइट, क्या होगा यहां पर ए, और यहां बच्चों क्या होगा डी, इक्वल है कैंसिल कर दीजिए, क्या बन गया ए डी। सेकेंड कंपाउंड बन गया ए डी। ओके देखो ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। ओके तो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप बच्चों इस पर हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसके बेस में एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, इसको रफ कर देते हैं, रुके मैं रफ कर दूं, टाइम फालतू वेस्ट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल समझिए। जैसे बेटा मान लो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं HCl रिएक्ट विथ NaOH, आपका फेवरेट केमिकल रिएक्शन, सब बच्चों का फेवरेट होता है इसलिए मैंने लिखा। इसको क्या कर दो बच्चों एक्वस, इसको कर दीजिए एक्वस। देखो Ab के प्लेस पे क्या है HCl, CD के प्लेस पे क्या है NaOH, HCl क्या है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब देखो इसको ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा एस पे प्लस होता है तो सीएल पे क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट। इसको बच्चों ब्रेक करो एनए पे कौन सा चार्ज होता है प्लस, तो OH पे क्या होगा नेगेटिव। ठीक है अब इस पार्ट को एच प्लस को हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोक्साइड आयन से और सोडियम आयन को क्लोराइड आयन से ऐड करिए, ये ऐड हो जाएगा इससे तो क्या बनेगा सोचिए। देखो यहां मैं बता रहा हूं Na प्लस किधर लिखेंगे राइट साइड और Cl नेगेटिव किधर लिखेंगे राइट साइड, लेफ्ट L फॉर लेफ्ट R फॉर राइट। अब देखिए इस पे 1 प्लस इस पे नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए, क्या बन गया बच्चों NaCl। तो पहला बेटा कंपाउंड बन गया NaCl प्लस, सेकेंड देखिए H प्लस को OH से इसको ऐड करो इससे तो क्या बनेगा, कहां लिखते हैं यहां बना देता हूं। देखिए H प्लस किससे रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव से लेफ्ट राइट, क्या बनेगा इससे कैंसल, H और H बच्चों ऐड होके क्या बन जाएगा H2, H और H और ये O साथ में क्या बन गया H2O। अब आप बताइए ये क्या होगा, सॉलिड होता है लेकिन वाटर लिखा ना बगल में, जिस प्रोडक्ट के साइड में वाटर लिखा होगा उसे एक्वस बोलेंगे, यानी एनएसएल क्या होगा एक्वस, और वाटर एक्वस तो नहीं है, वाटर को हमेशा हम लिखते हैं लिक्विड, यानी कहने मतलब लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है ना, अगर वाटर नहीं होता तो एक्वस लिखते हैं। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी, देखिए समझ में आ गया, देखो बच्चों क्लियर। देखिए यहां पर लेफ्ट राइट एच से 1 प्लस से निगेटिव कट गया एच एच एड ओके एच टू और ओ, क्लियर। ठीक है एक रिएक्शन और समझिए, मैं रफ कर दूं इसको। ओके बच्चों एग्जांपल नंबर 2, नोड़ा AgNO3 सबने रिएक्शन पढ़ा होगा, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, इसमें बच्चों मिला दो NaCl, कैसा होता है सॉलिड कॉमन सॉल्ट, लेकिन जब इसके अंदर आप मिक्स करोगे तो इसमें क्या है वाटर है ना, तो जैसे ही वाटर मिक्स होगा ये भी कैसा हो जाएगा एक्वस, तो यहां क्या लिखेंगे एक्वस। अब आपको बताना है यहां क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए इसको ब्रेक करिए AgNO3 कौन सा चार्ज बेटा Ag पे होता है तो प्लस वन, इस पर क्या होगा वन निगेटिव, इसको ब्रेक करिए Na प्लस Cl निगेटिव, इस पर Na पर 1 प्लस है तो Cl पर 1 निगेटिव होगा। अब इसको इससे ऐड कर दीजिए और Ag प्लस को Cl से क्या बनेगा बताइए, देखो Na प्लस और Cl निगेटिव कैंसिल हो गया, क्या बन गया बेटा NaCl, NaCl प्लस
Ag को ऐड करिए Cl से, तो क्या बनेगा देखिए, Ag प्लस Cl निगेटिव कैंसल हो गया, क्या बना AgCl। तो देखो भाई इसको बोलते हैं NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड कैसा होगा एक्वस। अब ध्यान देना जो AgCl है ना सिल्वर काफी भारी होता है ना बेटा, तो सॉलिड तो बनता है लेकिन वो डिजॉल्व नहीं हो पाता ना, वो सेटल हो जाता नीचे, जिस टेस्ट में रिएक्शन कराएंगे उसमें नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेटल डाउन हो जाता है इस तरीके से नीचे बैठ जाएगा। इसमें डाउनवर्ड एरो लगा दीजिए और यहाँ क्या लिखेंगे पी पी टी, यानी कि प्रिसिपिटेट किस कलर का होता है बच्चों, तो वाइट होता है, तो क्या लिख दीजिए यहाँ पे वाइट पी पी टी। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल आप समझ जाओगे, कभी मिल्क देखते हो घर पे जो दूध होता है जो फट जाता है ना, कर्डिंग हो जाता है फट जाता है दूध, तो देखते ना दूध जब फट जाता है तो नीचे वाइट कलर का सेटल डाउन हो जाता है ना, अगर उसको आप कपड़े में बांध के कॉटन का रख दो तो क्या बन जाता है वो पनीर बन जाता है। तो सेम उसी तरह मिल्क की तरह बेटा क्या होता है प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है टेस्ट में, और उसे क्या बोलते हैं पीपीटी प्रिसिपिटेट, और इस रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और जो ऊपर लिखा है ना HCl plus NaOH इसे NaCl plus H2O से क्या बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन कौन सा हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कौन कौन से टाइप हो गए बच्चों, इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन, इसमें हीट भी फॉर्म होता है, हीट भी नोट कर लीजिए। कौन सा रिएक्शन हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन हो गया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ओके आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आंसर होगा देर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। प्रिसिपिटेट क्या होते बच्चों इन सॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब इन द एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एज प्रिसिपिटेशन। जैसे दूध में क्या होता है फट के नीचे बैठ जाता है ना, उसी को बोलते हैं पीपीटी ऑफ मिल्क। मिल्क का प्रिसिपिटेट कैसा होता है वाइट होता है, सेम उसी तरह होता है AgCl। ओके नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके माय डियर स्टूडेंट सम क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, क्लासिफाई आपको क्या करना है इसमें, क्लासिफाई करना है कि कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और कौन सा प्रिसिपिटेशन है। इसमें काम और करिएगा इनको बैलेंस भी करना आपको। ओके इसमें लिख दे रहा हूँ क्लासिफाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड बैलेंस, अब जगह नहीं है समझ लीजिए इनको बैलेंस भी करिएगा। जिन बच्चों को बैलेंसिंग नहीं आती मैंने एक वीडियो बना दिया है हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताया है आप लोग देख लीजिएगा, दो तीन बार रिपीट करके देखिएगा, ना आए तो आप कमेंट करिएगा मैं आपको फिर से इजी लैंग्वेज में फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके बच्चों तो देखिए इसमें कौन कौन से रिएक्शन है, फर्स्ट बेटा क्या है FeCl2 प्लस NaOH, फर्स्ट आपको प्रोडक्ट भी बताना है क्या बनेगा। सेकेंड है CuO, पहला क्या है FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड बेटा क्या है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड बेटा क्या है CuOH का होल ट्वाइस, यहाँ छूट रहा है होल ट्वाइस, CuOH का यहाँ पर होल ट्वाइस होगा कैसा बच्चों एक्वस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। इसके बाद बच्चों है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है नीचे मैंने स्टेट लिख दिया है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट बच्चों है PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट प्लस Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। और इस साइड आ जाइए नेक्स्ट इस साइड FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड प्लस NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टेट लिख लीजिएगा,
ये बच्चों होगा सॉलिड और ये क्या होगा एक्वस। आइए देखिए एक लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ये बेटा एनटीएससी के लिए आपके लिए होगा, एनटीएससी कॉम्पिटिशन के लिए है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिएगा। इसमें बच्चों आपको सिर्फ बैलेंसिंग करना है, ओके, क्या करना है इसको बैलेंस करना है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या इसमें मैंने लिखा बच्चों, इस इक्वेशन में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बन रहा प्रोडक्ट में, एरो देखो लगा हुआ है, ये एरो है ना, ये हो गया रिएक्टेंट और ये बच्चों हो रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, MnSO4 मैग्नीज सल्फेट प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके ठीक है, नोट डाउन करिए। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने डाउनलोड वो सॉरी स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा, उसे लिखा करिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता किसी भी क्वेश्चन का, ये गलत तरीका है। देखिए एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एंड साथ ही साथ बच्चों आपके NTSC एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। अब आपने कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस पढ़ा है बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपके सिलेबस में है। तो रिडॉक्स के मैं पूरा एक अलग से बेटा वीडियो है, उसको वीडियो आप देखिएगा, पार्ट 11, 12, 13 एंड 14। तो पार्ट 11, 12, 13 एंड 14 सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन का होगा, और बेटा पार्ट 11 जो मैं बनाऊंगा, पार्ट 11 अभी मैं रिकॉर्ड भी करने जा रहा हूं, तो पार्ट 11 क्लास 10th और क्लास 11th CBSE एंड ICSE दोनों क्लास लिए बेटा कॉमन होगा, जिसमें क्लास 10th के बच्चों को कौन कौन सा पार्ट देखना है रिडॉक्स में, पार्ट रिडॉक्स में आप अभी मैं पार्ट 11 बनाऊंगा ना, तो 11, 12, 13 या मैं उस पर लिख दूंगा रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1, 2, 3। तो पार्ट 1, 2, 3 10th क्लास के लिए होगा, और जो 11th के बच्चे होंगे उनके लिए रिडॉक्स रिएक्शन कौन कौन सा पार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जो बच्चे 11th में है वो पूरा 7th पार्ट देखिएगा, जो बच्चे 10th में है वो सिर्फ कितना देखेंगे, 1, 2, 3, और बहुत होगा तो 4th पार्ट भी देख लीजिएगा। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया, इतना जरूर बच्चों आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टाटा, गुड नाइट, खूब मन लगा के पढ़िए और नोट्स कंप्लीट करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, साइंस वाला चैनल, कौन चैनल, साइंस वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर करिए, और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करते तो मुझे पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, और आप लोग उसमें किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट जरूर किया करिए, मैं आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीट करके रिकॉर्ड करके जैसा भी होगा मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। ओके बच्चों ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय। होमवर्क करके रिप्लाई जरूर करना बच्चों, ओके।